या अल्लाह, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मुझे उस इंसान से मिला दो जिसको मैं पूरी शिद्दत से चाहने लगी हूँ। सच में भाई जान, आपने तो पूरी हिंदुस्तानी पुलिस को धूल चटा दिया है। और हिंदुस्तान का क्या हाल है भाईजान? हिंदुस्तान का आलम तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में आप ही का खौफ छाया हुआ है। खौफ काफी नहीं है, दहशत फैलाना है मेरे नाम का, और वो काम तुम्हारा है। जरूर भाईजान। अब एक मिनट भाईजान। हाँ सत्तार। भाईजान आप जल्दी इधर आ जाओ वापस, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब? भाईजान वो सुपर सिंह करके है, वो असलम को भी बहुत मारा और मेरे को भी। और भाईजान हसीना अप्पी को भी बहुत टॉर्चर कर रहा है भाईजान। उसकी इतनी औकात? शेर जब गुफा में सोया हुआ होता है तो जंगल में कुत्तों के भौंकने की आवाजें कुछ ज्यादा ही आने लगती है। तो फिक्र मत कर, मैं अभी हिंदुस्तान के लिए निकल रहा हूं। ठीक है भाईजान। फिरोज कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाईजान, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे अभी हिंदुस्तान के लिए निकलना होगा। कौन है वो जिसने अपने मौत को दावत दी है? भाईजान सुपर सिंह नाम है उसका। सुपर सिंह नाम होने से कोई सुपर हीरो नहीं होता। तुम्हारे रहते उसने हसीना को छेड़ने की जरूरत की है, लेकिन शायद उसे मालूम नहीं कि उसने फिरोज खान की बहन को छेड़ने की गुस्ताखी की है। अब समझ ले कि उस सुपर सिंह को ऊपर से बुलावा आ गया है। भाईजान मुझे लगता है हसीना बहन भी उसे काफी चाहने लगी। खामोश। हसीना की चाहत जब तक प्यार में बदले, उस सुपर सिंह की जिंदगी को मौत में बदल दूंगा। उससे मेरी मीटिंग फिक्स कर। जी भाईजान। घर में ना टमाटर बना, गोभी बना, बैगन बना, धनिया पत्ता बा, आलू छोड़ के कुछ है नहीं के सब्जी का खाक बनाई। ए तू लोग घर में बैठ के लूडो खेलत आ रहा, कुछ कामों कर बा, जा बाजार से सब्जी ले आ जा। अरे बाबूजी है चौथी गोटिया पिला ही देता है। भाग सारे भाग, चौथी गोटिया पेले ही दे। भाग। ये हट। अरे भैया एक बात पूछी का? पूछ। गुस्सा पे तो ना। हे भैया सही में तू ओकरा से प्यार करे लगा है? बताइए बताइए दे, गुस्सा ये का बताइए दे। ए बता। ए चल, तेरे को फिरोज भाई ने बुलाया। फिरोज भाई ये कौन है? अरे भैया बतौली रहली ना, वो हसीना का भाई, बड़ा खतरनाक बा। चल मेरे साथ, तेरे को पता चल जाएगा फिरोज भाई कौन है। नहीं चलूंगा। क्या बोला? नहीं चलूंगा। ए उठा रहे इसको। उसको मिलना है, बोलो मेरे से खुद आके मिले। निकल तेरी माँ का। अगर तू मेरा खास नहीं होता तो
तो इस वक्त मौत के पास होता। राजा बनना आसान है लेकिन हुकूमत करना उतना ही मुश्किल। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी यह सल्तनत खड़ी की है और तुम जैसे निकम्मों की वजह से इसे गर्त में मिलने नहीं दूंगा। उस सुपर सिंह को फोन लगा। फिरोज खान बोल रहा हूं। बोलो फिरोज। आज शाम को 7 बजे मेरे अड्डे पर आ। मिलना किसको है, तेरे को या मेरे को? मेरे को। टाइम और जगह मैं फिक्स करूंगा। मंजूर है। मुंबई सेंट्रल फैक्ट्री। बहुत अकड़ है तुझ में। तेरी अकड़ को मौत की शक्ल दूंगा मैं। मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं। तू मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, इसका मतलब तू अभी ठीक से मुझे जानता नहीं है। क्योंकि अगर मुझे जान जाता तो मेरी बहन की परछाई से भी खौफ खाता। तू एक समय भड़ुआगिरी करता था, छोटे बड़े नेताओं के पास लड़कियां सप्लाई करके धंधा किया। उसके बाद तेरा संपर्क अंडरवर्ल्ड से हुआ। तेरा असली नाम करीम है और तेरी नजर पूरे भारत पे राज करने की है, जो मैं होने नहीं दूंगा। क्या सही बोला ना? मेरी बहन तुझे पसंद करती है इसलिए अभी तक खामोश हूं, वरना आज तक किसी कुत्ते की जरूरत नहीं हुई इस तरह बात करने की। सीधे सीधे बोल, मेरी बहन का पीछा छोड़ने का क्या लेगा तू? लूंगा नहीं, बस खेलूंगा। क्या? केबीसी। मतलब? भाईजान, कौन बनेगा करोड़पति? तीन सवाल पूछूंगा, अगर तीनों का सही जवाब दिए तो तुम करोड़पति तो नहीं बनोगे, लेकिन हां हम तेरे बहिन के भतार बने ख्वाब छोड़ दो। ज्यादा सोच मत, आसान सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा और लाइफलाइन भी। मंजूर है। पहला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मुझे तेरे जैसे से यही उम्मीद थी, क्योंकि तुझ जैसों की औकात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अरे इसका जवाब तो बच्चे बच्चे को पता है, नरेंद्र मोदी। वाह, गुड। दूसरा सवाल, हम लोग जहां हैं यानी मुंबई, ये किस राज्य में पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं। है, लगता है तो केबीसी नहीं, मजाक मजाक खेल रहा है। अरे इसका जवाब भी पूरी दुनिया को पता है कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। वो तो है, फिरोज काफी इंटेलिजेंट है। चलो अब आखिरी सवाल, ध्यान से सुनना
और इसका सही जवाब देना। चंगेज कहाँ है? बस भाईजान, बोले तो अभी इसे ठोक दो। क्या बक रहा है तू? शायद तुम सुन नहीं पाए, चंगेज खान कहां है? ऑप्शन है मुंबई, सिंगापुर, मलेशिया या पाकिस्तान। भाईजान, लाइफलाइन यूज कर सकते हो, अगर जवाब नहीं मालूम तो। लाइफलाइन यूज नहीं, तेरी लाइफ को फ्यूज करूंगा मैं। सवाल फिर से पूछना पड़ेगा या जवाब मिलेगा? दुबई। मोहिनी डार्लिंग, आप पुलिस के ड्रेस में? मोहिनी नहीं, एसपी मोना हूं मैं। एसपी मोना, ये कब बनी? अरेस्ट हिम। Yes, SP Mona. सर, हमें हुक्म का इक्का मिल गया, आपकी तलाश पूरी हुई। Good. But are you sure about him? Yes, sir. शेर जैसा दहाड़ता है, किसी से बिल्कुल नहीं डरता, पहले मारता है फिर सोचता है। वो बारूद का गोला है, वो मामूली इंसान नहीं है सर। मतलब? सर, वो एक क्रैक फाइटर है। क्या बात है, तुम्हारे तो हाव भाव ही बदल गए। पुलिस वाले इतनी इज्जत दे रहे हैं, पहली बार देख रहा हूँ। अरे मोहिनी, मुझे लॉकअप में नहीं डालोगी क्या? पहली बात तो ये, मेरा नाम मोहिनी नहीं मोना है। इतने दिनों से तो मैं तुम्हें मोहिनी नाम से ही जानता था, इसलिए आदत पड़ गई है। छोड़ो, दूसरी बात क्या है बताओ मोहिनी। अब सॉरी मोना। दूसरी बात ये कि चुपचाप बैठे रहो। जय हिंद सर। जय हिंद। शंकर, तुम?
सर आप इसे जानते हैं? हाँ, ये हमारे ही रॉय एजेंसी का एक बहादुर एजेंट है, शंकर। लेकिन ये अभी तक जिंदा है ये बात मैं नहीं जानता था। बोलो शंकर, तुम जिंदा हो ये बात तुमने हम सबसे क्यों छुपाई? हम लोग तो समझे कि तुम मारे जा चुके हो। मजबूरी थी सर। कोई मजबूरी नहीं थी। कहते क्यों नहीं कि अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहे, इसलिए अपने आप को मृत घोषित करके एक दूसरी जिंदगी जीने लगे, वो भी पहचान बदल कर। जिसकी पूरी जिंदगी ही छिन गई हो वो कौन सी जिंदगी जिएगा सर? अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। ये साबित हो चुका है कि तुम डरपोक हो, देशद्रोही हो। तुमने रॉय एजेंसी की आंखों में धूल झोंका है। हम सबको चीट किया है। चीट तो आपने किया है सर। अगर उस दिन चंगेज को छोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो मारा जाता और कई जिंदगियां बच जाती। रही बात देशभक्ति की, तो मैं हमेशा से एक सच्चा देशभक्त रहा हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं रांची मिशन पर था। ए तुम लोग कौन हो, हमारे क्लास में क्या कर रहे हो? तुरा पता रहेगा कि आज सोमवार बा, स्कूल बंद बा, सरकारी छुट्टी है। चल भाग। दारू का अड्डा बना के रख दिया तुम लोगों ने यहाँ। तू कौन है? निकलो बाहर यहाँ से, पुलिस को बुलाना पड़ेगा का फोन करके। चुप, ज्यादा लग से ढड़ाता रहा, तनी समझाओ या करा के रे। सर आप जाके समझाइए ना उनको, मेरी बॉडी के तो नट ढीले कर दिए हैं। वो लोग जब आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो क्या मेरी बात मानेंगे? मैं नहीं जाऊंगा। सर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपकी बात मानेंगे वो लोग? मानेंगे नहीं, मारेंगे, वो भी बहुत ज्यादा। सर अपना फोन दीजिए। दीजिए ना सर। लो। हेलो शंकर भैया। तो अपने पैरों पे है लेकिन जाएगा अपनों के कंधों पे। हमारे इलाके में आने वाले का पैर का निशान तो मिलता है लेकिन जाने वाले का नहीं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे से मार खाने के बाद लोग जिंदा तो रहता है पर जीने लायक नहीं। माफ कर दी, चाहिए थी हमरा के। धोनी के पता होगे कि चाहिए कि ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। दोबारा कब लेकर पांख दिखावे कोशिश भइल ना, ते आंख दिखावे के लायक ना रही। शंकर भैया
शंकर भैया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। शंकर भैया, शंकर भैया। शंकर माई, तू अभी ले जागल बड़े। अपने बेटा के बिना खेले हम कैसे सोच सकेला। हाँ, तू ही तो एक सहारा हुआ हमार। अच्छा तू जाके हाथ मुंह धोला, हम खाना लगावा तनी। ठीक बा माई। दूल्हे राजा के आने की खुशी में दुल्हनिया तो बिल्कुल लाल हुए जा रही है, क्यों प्रिया? दीदी दीदी पाहुन लोग आगे बढ़न, जल्दी चलो। अच्छा चलो 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 चलो। जी लड़का तो बहुत अच्छा बा, हमनी के तरफ से ये रिश्ता फाइनल। बाकी रउआ लोग के अगर हमार बेटी से कुछ पूछे को है तो पूछ ली। बेटा ये लड़की पसंद कर ली है, 3 साल तक तोर कुंडली में कोनो लड़की नहीं की, बात समझ ला। हाँ बेटी तोहर नाम का है? लक्ष्मी, लक्ष्मी नाम आयकर। शर्माती अनु। अरे वाह, एकदम देवी जैसन रूप और लक्ष्मी नाम, बहुत बढ़िया। हमरा के ना अपना घर खातिर एकदम लक्ष्मी जैसन पतो चाहिए, हमरा के रिश्ता मंजूर बा। हाँ ठीक बा, लेकिन हमरा लागत रहे नू कि लड़का लड़की के आपस में एक बार बात को लेवे के चाहिए। अरे नाना ओकर कोनो जरूरत नहीं खे, हमरा बेटा की तरफ से भी हाँ बा। हाँ। आजकल गुमो लेके मिला तरी से, बाद में तोरे तकलीफ हुई। अच्छा। मतिया ले बेटे। ठीक बा ठीक बा ठीक बा, तू जा। पूछी जोन कुछ भी पूछे के बा। व्हाट इज योर नेम? हम पूछा था नहीं तो हर नाम का है? निचवा तो बतौनी है, हम भुला गई नहीं, और फिर से तुमके बतावे में कोनो दिक्कत बका? माय नेम इज राधा। रोरो इंग्लिश कमजोर है बका, हमार नाम राधा है। लेकिन नीचे तो लक्ष्मी बतौलू है। तो जब मालूम ही रहे तो काहे पूछत रह? लड़का कह रे भी है कह रही। देखा घुमा फिरा के बात करे कोनो मतलब बाना, साफ साफ कहीं तो अभी हमार शादी करे के मूड नहीं खे, उता माई हमके जबरदस्ती यहाँ लेके आई भैया। एक काम कर, तू नीचे जाके बोल दिया कि हमके लड़का पसंद नहीं खे। थैंक यू भैया। भैया वो का है ना कि हमार पहले ही से एगो चक्कर बा। बस बस बस, तू तो हमार काम है आसान कर देलू बहिन, चल। लक्ष्मी के पापा साँच कही तो ये जोड़ी के जोड़ नहीं खे। हाँ बेटा लड़की पसंद है ना? अरे ना माई, तो हमार दीदी है। का वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जैकी भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बॉस कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए। अरे तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो। रफीक जी भाईजान, ये हमारे यहाँ के सबसे खास मेहमान है। वालेकुम अस्सलाम। इनके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बॉस तशरीफ रखिए। जैकी भाई तशरीफ रखिए। वेटर, यही हमारे बॉस है, उनके बगल में जो बैठा ना उनका भाई है। शुक्रिया। सत्रह साल से मैं इन्हीं के पास काम करते आ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे लिए आए। बहुत सुंदर लग रही है। जी शुक्रिया। दुल्हन तुम्हें पसंद आ गई है क्या? हाँ भाईजान, ये मुझे बहुत पसंद है, ये तो मुझे चाहिए। हाँ
उससे पहले सुहागरात तू ही मनाएगा। प्लीज बॉस, जैकी को रोक लो ना बॉस। मैं आपका बहुत दिनों से वफादार रहा हूँ बॉस, मेरे साथ तो ऐसा मत कीजिए बॉस। बॉस बोलो ना जैकी को रोकने के लिए बॉस। रुबीना छोड़, चल ना बॉस, रोक लो ना बॉस, वो मेरे बीबी के साथ गलत कर रहा है बॉस। मैं अपने बीबी से बहुत प्यार करता हूँ बॉस, रोक लो ना बॉस उसे। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने भाई से प्यार नहीं करता? अरे सुन बुद्धू, एक बार उसकी ये इच्छा पूरी हो जाने दे, फिर तू ले जा अपनी बीबी को उठा के, हमें कौन सा उसको यहाँ रखना है। बॉस मैं जब आपकी जान बचा सकता हूँ ना, तो अपनी बीबी को भी बचा सकता हूँ। हाँ? मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी प्यार की रक्षा खुद कर सकता हूँ। मैं बचाऊंगा अपनी बीबी को। अब डॉक्टर सिंह यहाँ आएंगे और आपको वायरस के बारे में बताएंगे। आइए डॉक्टर सिंह। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज नई नई बीमारियां, नए नए सिम्टम्स तमाम मरीजों में दिखाई दे रहा है, और जिसके इलाज के लिए हम डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन विशेष आज एक ऐसी बीमारी के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं जो बच्चों पर अपना प्रभाव डाल रही है। सर इस वायरस का नाम क्या है? अभी इस वायरस के बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन सर इंडिया में तो अभी ऐसा एक भी केस नहीं पाया गया है। देखिए ये बीमारी, ये वायरस जो है, ये विदेश में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये बहुत जल्द हमारे हिंदुस्तान में आ सकता है। एक्सक्यूज मी सर, क्या इस वायरस के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं आप? जी जरूर, मुझे पता था कि आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये वायरस बच्चों पर अपना बहुत प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से सांस रुक जाती है और फेफड़े तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और मरीज की मौत हो जाती है। इसलिए आज इस सेमिनार का आयोजन इस वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने आयोजित किया था। और हाँ, इस वायरस के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और साइंटिस्ट रात दिन रिसर्च पर लगे हुए हैं कि इस वायरस से कैसे निदान पाया जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है टीआरडी हॉस्पिटल से, जहां 37 बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई है, और आशंका जताई जा रही है इन बच्चों की मौत ऑक्सीजन नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई है। देखना सरकार आगे क्या ठोस कदम उठाती है। आगे की खबरों के लिए हमारे संवाददाता टीआरडी हॉस्पिटल में बने हुए हैं, और मीडिया के सामने जो हॉस्पिटल के आला अधिकारी हैं आने से कतरा रहे हैं, और मरे हुए बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आखिर ये हुआ कैसे? टीआरडी हॉस्पिटल से मौत की खबर आते ही पूरे शहर में कोहराम मच गया है। हर जगह से चक्का जाम और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कडरू की घटना है। इसमें सबसे ज्यादा छात्र संगठन के लोग शामिल हैं और इससे शहर की जनता को काफी प्रॉब्लम हो रही है। अरे मैं तुम्हें डॉक्टर सिंह बोलूं या बिजनेसमैन बोलूं, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे एक झटके में इतना बड़ा मुनाफा करवा दिया तुमने। वाह, मान गया तेरे दिमाग को और तेरे शैतानी आइडिया को। ऑक्सीजन की कमी दिखा के 37 बच्चों की लाशों को तूने ठिकाने लगा दिया, ये आसान काम नहीं है। शुक्रिया खान साहब। अच्छा ये बताइए, मैंने उन मरे हुए बच्चों की जो आंखें और किडनी निकाल कर आपको भेजी थी, मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है ना? अच्छा दाम? अरे बहुत अच्छा दाम मिला, पूरा स्टॉक खत्म हो गया। माशाअल्लाह अगर इस तरह से चलते रहे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आप भेज रहे हो अगला स्टॉक? यहां किडनी और आंखों की बहुत जरूरत है, लाइन लगी पड़ी है। मैं जब तक हॉस्पिटल में बना हूं खान साहब, सप्लाई जारी रहेगी, आप मेरे हिस्से का ख्याल रखना। अरे फिकर नॉट डॉक्टर सिंह,
तुम्हें तुम्हारे हिस्से से बढ़कर मिलेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खान साहब। हाँ बोल भैया। नंदू के फोन आई रहे, उकर घरवाली के पेट में बहुत दर्द हुआ भैया, आप जल्दी से आ जाए भैया। ठीक बा। सब ठीक हो जाए। गले के कहां? उसे तोरा का मतलब? तू अगर अपन खैरियत चाहत हो तो यहां से निकल जो। देश के हर बच्चन से हमारा मतलब बा। रहल बात तोहनी के, तो तोहनी के फेस के डिजाइन तो हम 2 मिनट में चेंज कर दे। ए, ऐसे ना मानी, मारा सने करा के। सच बोल भैया। भैया इमे हमार कोनो गलती नहीं के, हम सिर्फ ई सब काम पैसा खातिर कर रहे। ओ माय गॉड, तुम लोग की ये हालत किसने की? कहीं किसी गाड़ी से टकरा तो नहीं गए? एगो क्रैक आदमी मिल गए रहल, उहे मार मार के हमनी के ई दशा कर देलस। बहुत दर्द हो रहा है ना? बहुत ज्यादा। हाँ आपको भी देखती हूँ। मैडम ये उहे आदमी है, बहुत डेंजरस बा, उहे मार मार के हमनी के ई हालत कैले सर। एक्सक्यूज मी, तुमने इन सबको मारा है? गुंडे हो तो किसी को भी मार सकते हो राइट? तुम इंसान के खून की कीमत जानते हो? सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का हक होता है। खैर छोड़ो, तुम्हें जरा भी अंदाजा है? अगर किसी के हाथ पैर टूट जाए वो हड्डी जुड़ने में भी वक्त लग जाता है, और जब तक जुड़ ना जाए छोटे बच्चे की तरह उसका 24 घंटे ख्याल रखना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड? देखो कितनी खरोच आई है। मैडम जी ये लोग जिंदा है यही बहुत है,
आपको इनकी खरोंच दिख रही है, इन बच्चों का भविष्य नहीं। मतलब? मतलब ये मैडम जी, क्या ये लोग किसी भी माँ बाप का सपना चुराकर अनाथ बनाकर रोड पर भीख मंगवाएंगे? इम्पॉसिबल, ये मैं नहीं देख सकता। गोलू। हाँ भैया। मरहम पट्टी लगवा के ये लोग इनके घर पहुंचा दिया। ठीक है भैया। भैया मेरा तो कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? मैं हूं ना बेटा, आओ। दो इधर, इलाज हो रहा है ना, चुपचाप बैठो। लो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलिए, क्या बात बा? सॉरी, कल मैंने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो। कौनो बात ना, अगर आपके जगह हम होती तो शायद यह कहती। नाइस, आई एम डॉक्टर संचिता। हमार नाम शंकर है। वाओ, वेरी नाइस नेम। अब बहुत अच्छे हो, बहुत। आपको एक बात बोले क्या? अब बोली ना। आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। आई लव यू। अरे नंदू भैया, गुड़िया तो पढ़े में बहुत तेज भी हो। अरे तो बहन के करवा। वाह, लागत बहुत पढ़े ले वो। शंकर भैया। हाँ शंकर भैया, बोली। गुड़िया कैसन भैया? बहुत बढ़िया भैया, लेकिन रघुआ के बहुत याद करत रहली। एक बार आके मिल लेब ना भैया तो ओकर दिल बहुत खुश हो जाई। ठीक बा, हम मिल लेब। ओकर पढ़ाई लिखाई कैसन चलता? अरे भैया, पढ़ाई लिखाई में तो नंबर वन दिया। अरे ओकरा हॉस्टल से तो आवत बानी। गुड़िया पर विशेष ध्यान रखिया। जी भैया। हाँ दर्द हुआ? नहीं। गुड बॉय। चिंता की कोई बात नहीं है जी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ मेडिसिन्स में लिख देती हूँ। मामूली सा बुखार है, टाइम टाइम पर दे दीजिएगा। जी डॉक्टर, सब ठीक हो जाएगा। जी थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, टेक केयर। पूरी ना आवे। समझती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती। कहता ऐसे बाड़ू जैसे तोके पते ना रहे कि हम यहाँ मिला। मुझे क्या पता। अच्छा, ए 7 बजे तू ही ना बोला लू। हा मैं बोली थी, मेरी छुट्टी 7 बजे होती है। हम सोचने, खैर ठीक बजा था नहीं। अरे अब बैठे ना, इतनी भी क्या जल्दी हो रही है। एक बात बताओ, तू हमसे हमारा शादी के बारे में काहे ना पूछ ले रहो? अब आपको पता है, इंसान का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ गई है। ओ ऐसन बात बा। मेरे दिल में जो था मैंने कह दिया। अरे कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, आप भी कुछ बोलिए ना। अब हम का बोली, जौन हमारा बोलेगे तौन तू ही बोल दे लू।
आपको याद करना मेरी आदत बन गई है, आपका ख्याल रखना मेरी फितरत बन गई है, आपसे मिलना मेरी चाहत बन गई है, आपको प्यार करना मेरी जरूरत बन गई है। तुम्हारा सुंदरता से भी सुंदर तुम्हारा आवाज बा। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। खैर का बात बा, इतना रात के फोन कहीं लू। आपसे मिलने का मन कर रहा था, क्या कल सुबह आप हॉस्टल के सामने आ सकते हैं? कहे ना, जरूर आई। हाँ। वाओ, थैंक यू, गुड नाइट, ओके बाय बाय। हमरा के ना एगो फंक्शन में जाए के बा, हमरा के छोड़ दा। माई का बात बा? हमके एगो जरूरी भाड़ा लेके जाए के बा। हाँ तो हमरा के छोड़ दिया, फिर लेके चल जाइया। हम नंदू के बोल देता नहीं तो के छोड़ दी। अच्छा ठीक बा, याद से बोल दिया नंदू के, हम इंतजार करता नहीं। हाँ बाय शंकर। बाय शंकर। तुम भी चलो ना मेरे साथ। हमारा ऐसा फंक्शन में गई अच्छा ना लगेगा। क्यों नहीं, फ्यूचर में तो हमें भी ऐसा प्रोग्राम रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखाई। तो चलो डेमो देखते हैं। तू चला हम आओ तनी। ठीक है, जल्दी आ जाओ। जी बिल्कुल, सब बढ़िया बा। हाँ, हाँ, हमरा के देर होता हम जाते नहीं। चलिए ठीक बा। नमस्ते। अच्छा नमस्ते। सॉरी, वेरी सॉरी आंटी, वेरी वेरी सॉरी। कोनो बात ना, इतना भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की हो ये जाला। ये लड़की बहुत खूबसूरत भी है, ये हमारे पुतो बनने के लायक हो। अच्छा बेटा, तुहर नाम का है? संचिता, संचिता बैनर्जी। बहुत सुंदर। शादी में केकरा साथ है अलवरू? अरे मैं अपने होने वाले पति के साथ आई हूँ। अरे अरे सुनिए ना, अरे सुनिए तो। अरे अरे सुनिए ना, चलिए ना, ये देखिए। माई तू यहाँ? माई? अच्छा तो ये भाड़ा हा? अरे यार आधा घंटा हो गई, माई अभी तक सीआईडी रेखा पूछताछ कर रहा भी है। हमके तो डर लगा था संचिता कहीं गुस्सा के चल ना जाए। ए भैया तू तनिको टेंशन मत ले, अगर काकी ना मनी है ना तू भाग के भौजी के साथे ब्याह कर लियो। हाँ और भाग के कहाँ जाइब, तोरा नानी की? हाँ अरे ना भैया, बहुते जगह बा। चुप सारे भागे भगावे के बात मत कर, बस ये मानो कि माई के संचिता पसंद आ जाए। हाँ। शंकर। हाँ माई। ये लड़की के घर कहाँ बा? ये हॉस्टल में रहेली, लेकिन अगर शादी के जहां कहीं भी रहत होके एके जा छोड़ के आवा। का भइल माई, पसंद नहीं खे का? तू जेबा छोड़े कि हम नंदू के साथे लगा ना, ना। ठीक बा माई, चला।
सॉरी, अगर माई तो के कुछ उल्टा फुल्टा बोला लोकस तब हम माई के तरफ से माफी मांगा था नहीं। कोई बात नहीं है शंकर, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती हमार बा, अगर हम प्यार करे से पहले अपना माई से परमिशन ले ले रहती तो हमारा साथे साथे दुहार दिल ना टूटित। हाँ, लेकिन कर भी कह सकते हैं। अच्छा शंकर, तुम जानना नहीं चाहोगे तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या क्या कहा? अब जान के कहा हुई, पर एक बार सुन तो लेते। जाए था, अरे सुन तो लो। अच्छा सुनो, मेरी और तुम्हारी माँ के बीच में क्या क्या बात है? देखा बेटी, हमार बेटा शंकर ही हमरा खाते सब कुछ बा, हमर दुनिया, हमर जिए के सहारा। हमेशा से ही शंकर के पसंद हमार पसंद है, और तू शंकर के पसंद बाड़ू, बेशक हमरो पसंद बाड़ू। लेकिन हमार एगो शर्त बा। शर्त ना, एगो माई के गुजारिश समझिया। बेटी, तू शादी के बाद हमरा के हमरा शंकर से अलग मत करिया, हमर जिए के सहारा मत छीनिया। आप कैसी बात कर रही हैं? मैं एक बेटे को उसकी माँ से अलग करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती, और शादी के बाद शंकर और मैं हमेशा आपके साथ रहेंगे माँ जी। और एक बात कहूँ माँ जी? हाँ बेटी। मेरी माँ नहीं, मैं बिना माँ की पली बड़ी हूं, लेकिन आज इस घर में मुझे माँ मिल गई है। और हमरा की बेटी, क्यों कैसा लगा? हरदम आसानी करे जा के भितरिया,
कौशल करा। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिल गया, और माँ का प्यार भी जो बचपन में मुझे मिल नहीं सका। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। हमार लाल, ओह माय, क्या कर रहे हो माँ जी? आप मटर छिलता नहीं, खाना बनाए खातिर। बाद में बनाओ, ठीक है? अभी मैंने कुछ बनाया है, रस मलाई। तू अपना हाथ से बने ले बड़ा। हाँ, रस मलाई। अच्छा, पेश कीजिए। पसंद आया? बहुत बढ़िया बा, तू खा के देखा। बढ़िया बा। अच्छा, अब मैं खाना बनाती हूँ, अब बैठिए। भैया से बात कर रहे हैं? हाँ भैया जी, बबुनी के सब समाचार ठीक हुआ भैया जी? ये के पिज्जा खाए के मन रहे, ख्याल देनी। हाँ, ली बात करी। नमस्ते भैया। खुश रहा। भैया आप वापस कब आओगे? अरे बाबू, हम जल्दी आके मिलब तो से। कोनो चीज के दिक्कत नहीं है ना? ना। और हाँ, कुछ चाहिए तो फोन करिए। हाँ। ठीक बा? जी भैया। हाँ चलो। hey! अस्पताल में और भी मरीज है, तेरे वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही है। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? सुनाई दे रहा है कि नहीं? रोना बंद कर और निकल यहाँ से। कब से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? तुम्हारे अंदर कोई तमीज है कि नहीं? क्या करूँ मैडम, कब से बच्चे की लाश लेकर रो रही है। लाश देखी ना डॉक्टर, क्या हो गई? क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? मर गई हमार बेटा, खत्म हो गई सब कुछ। हे भगवान, चल गई हमरा के छोड़ के। कल ही तो मैंने इसे चेक किया था, मामूली सा ही बुखार था, और आज अचानक से। क्या हुई? सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सिंह, अगला स्टॉक कब तक भेज रहे हो? जी, कंसाइनमेंट रेडी हो गया है। Excuse me, sir, may I come in? एक मिनट होल्ड करिए जनाब। Yes, doctor. So sorry, sir, disturbance के लिए, पर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, वो भी अभी। Tell me. Sir, आज और एक बच्चा मर गया, और मुझे लगता है हमारे हॉस्पिटल में ये किसी की गलती की वजह से हुआ है सर। What do you mean? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? Sorry, sir, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने कल उस बच्चे का चेकअप किया तो उसे बस मामूली सा बुखार था। ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए। कुछ तो गड़बड़ है सर। Stop it, please.
आपको पता होना चाहिए कि आजकल लोगों की खेलते कूदते हंसते फिरते अचानक मौत हो रही है, और वो बच्चा तो फिर भी बीमार था। लेकिन मुझे प्लीज, वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं हैं, हम डॉक्टर हैं। जीना मरना तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। जो जिंदा है जाकर अपने वार्ड में उनकी देखरेख करो। प्लीज गो डू योर जॉब, प्लीज जाओ। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। हेलो सर। कौन थी ये लड़की? सी वाज ए डॉक्टर। मुझे लगता है ये लड़की बहुत चालाक है, इसके ऊपर बराबर निगाह रखो, कहीं ऐसा ना हो हमारे रास्ते का कांटा बन जाए। नहीं नहीं सर, सब मैं मैनेज कर लूंगा। ध्यान रखो आगे से। ओके सर। बी केयरफुल। का बात बा, बड़ी परेशान लगा तारू, हम तोहरे परेशानी की वजह जान सकीला। आज हॉस्पिटल में एक बच्चे की मौत हो गई, उसी को लेकर मैं सुबह से परेशान हूँ। अरे हॉस्पिटल में तो मौत रोजे होत रहेला, इमें इतना परेशान भइला का जरूरत बा? शंकर तुम समझ नहीं रहे हो, जिस बच्चे की मौत हुई वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, उसे बस मामूली सा बुखार था। अच्छा, तो कुछ पता चला मौत की वजह? वही तो पता नहीं चल रहा है, और तो और सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि इस मामले से दूर रहे। अगर वो बच्चा के मौत बीमारी से ना, कोनो दूसरे वजह से भइल बा, तो सच कबो ना कबो सामने आइबे करी। तू टेंशन ना ला शंकर, उस बच्चे का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। जब भी भूलने की कोशिश कर रही हूँ, उसकी माँ के रोने की आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही है, जैसे कि वो मुझसे हिसाब मांग रही है। क्या होगा शंकर? सब ठीक हो जाए। आखिर शंकर तुम कहना क्या चाहते हो? सर, क्या एक नामी हॉस्पिटल में क्राइम होना संभव है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस अस्पताल में घटना घटी है उस पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा है। शंकर, तुम तो जानते ही हो कि वो हॉस्पिटल इंसानों द्वारा चलाया जा रहा है, और पैसा इंसान से कुछ भी करा सकता है। तुम्हारा शक सही भी हो सकता है। सर, मुझे इस बात पर भी शक हो रहा है कि कहीं इसमें चंगेज खान का भी हाथ हो सकता है क्या? चंगेज खान? आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें चंगेज खान का हाथ हो सकता है? सर, चंगेज हर तरह का क्राइम करता है। अगर हॉस्पिटल में किसी भी तरह का क्राइम हो रहा है तो ये पॉसिबल है कि उसमें चंगेज भी है। अगर तुम्हें शक है तो तुम हॉस्पिटल की गतिविधियों पर नजर बनाए रखो। और हाँ, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि चंगेज खान इस समय रांची में ही है, उस पर नजर रखो और हमें इन्फॉर्म करते रहो। ओके सर। एक सेकेंड। सलाम अलैकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। और डॉक्टर, क्या कर रहे हो? कहीं बिजी तो नहीं हो? बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, एकदम फ्री हूँ। आप हुक्म तो करिए। अरे भाई, हम आपकी रांची में हैं। अच्छा, आप एड्रेस भेजिए, मैं अभी पहुँचता हूँ। आ जाओ, आई एम वेटिंग। सुनो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, एक छोटा मोटा ऑपरेशन, आप लोग पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके। गाड़ी का पीछा करना है, जल्दी करिए।
आओ डॉक्टर। सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या लेंगे, टी कॉफी? नो थैंक्स। यहाँ आते हुए आप पर किसी को शक तो नहीं हुआ? हजारों को मौत के घाट उतार दिया, आज तक तो किसी को शक नहीं हुआ, तो अब क्या होगा खान साहब? हमारा ये अस्पताल का धंधा माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें और तरक्की हो इंशाल्लाह। मैं गारंटी देता हूँ 100% इस धंधे में तरक्की होगी, क्योंकि आजकल हजारों बीमारियां हो रही हैं और लोग अस्पताल आ रहे हैं इलाज कराने, और जिनकी किस्मत फूटी होती है वो हमारे अस्पताल में आते हैं इलाज कराने। मैं क्राइम की दुनिया का बादशाह हूं, लेकिन क्राइम के मामले में आप मुझसे कम नहीं है। अच्छे खासे तंदुरुस्त आदमी की आंखें और किडनी निकाल के उन्हें ऑक्सीजन की कमी बोल के मौत का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इतना तेज दिमाग तो एक प्रोफेशनल किलर का भी नहीं होता। पैसा खान साहब, पैसा, पैसे के खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तो सिर्फ बच्चों को ही मारकर पैसा कमा रहा हूँ। अगर मेरी पैसों की भूख पड़ी तो एक दिन बच्चों के साथ साथ बूढ़े भी मेरे टारगेट पर होंगे। इसी के बारे में बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। मतलब? मतलब ये कि अपने पैसे की भूख को बढ़ाइए, बच्चों के साथ जवानों को भी ऊपर पहुंचाइए। इस मुल्क में जितनी ज्यादा मौतें होंगी उतनी ही ज्यादा हमारी तिजोरियां भरेंगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा खान साहब। वंडरफुल। ए रशीद, कौन है वहां? मार दो उसे। जी भाई। अरे हाँ, पकड़ो उसे, वरना भाग गई तो हमारा पोल खुल जाएगा। भाग गई मतलब आप जानते हैं उसे? हाँ खान साहब, हमारे ही हॉस्पिटल की एक जूनियर डॉक्टर है। ए रशीद, मिलेगी नहीं वो। सॉरी, बच के भाग गई वो। बच के भाग गई, बेवकूफ। खान साहब, एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड। हेलो, सुनो, हॉस्पिटल के पीछे जो हॉस्टल है ना, वहीं भाग कर गई होगी। जी भाई जान। वॉइस, डालो। तुम लोग दूसरी गाड़ी से आ जाओ। ठीक है। कहाँ बाहो, बोरा में बड़ा भारी लगा था। ए, चुपचाप चल, ज्यादा पूछताछ मत कर। बताइए बा कहाँ जाएगा बा? चल बताता हूँ। बताओला ना, बोरावा में कहा बा?
छोड़ा जाए था हमारे बड़ावा तो हम निकली 150 भाई ए अपन 50 रुपए हुआ वापस ना ले बका कौनो बात ना वैसे भी जीएसटी मिला के हमारे 200 तो होते रहे लड़की मिली ये लीजिए सबूत वेरी गुड ला लाओ लाओ इसे एक मिनट गुड रुक भाई जो नकली नोट देके गए हैं भाई साहब कहाँ बने चल जा यहाँ से वो अभी बिजी हैं। तब तुम ही दे दो मेरा पैसा बाद में उनसे ले लेना बोला ना चुपचाप जा यहाँ से इसका मोबाइल कहाँ है मोबाइल मेरे पास है लाओ लाओ दो मुझे थैंक यू नहीं मिलेगा तेरा पैसा क्या करेगा तू चल चल निकल नहीं तो तेरे पास जो पैसा है ना वो भी छीन लूंगा सलाम अलैकुम खान साहब वालेकुम अस्सलाम वो लड़की मिली क्या लड़की मिल गई है आप होटल में आराम कीजिए हम लोग अभी आए उसको ऐसी मौत दो कि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके डॉक्टर साहब इसका क्या करना है जान से मार दो इसे रुक मार देना यार लेकिन पहले मुझे अपनी आग तो बुझा लेने दो वैसे डॉक्टर कमाल का ड्रग्स है ना चख ले इसे वेरी गुड आइडिया इसको चखने का तो मजा ही कुछ और होगा ए, तुझे वीडियो बनाने का बहुत शौक है ना आज हम बनाएंगे वीडियो और उसे वायरल भी करेंगे हैं जैके Come on! बचाओ! बचाओ! Boys, kill him!
गोली मार दिया इसे। शंकर, ये डॉक्टर सिंह है। हॉस्पिटल में आने वाले मासूम बच्चों की आंखें और किडनी निकालकर चंगेज खान को बेचता है। ये डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के नाम पे जल्लाद है, जल्लाद। अरे ये झूठ बोल रही है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है और ये आपको पता होगा। मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूँ? देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, शरीफ डॉक्टर हूँ। मुझे जाने दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आप माला माल हो जाएंगे। प्लीज भाई साहब। पैसा इंसान को किसी भी हद तक लेके जा सकता है, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन तूने तो उस हद को भी पार कर दिया। तो इंसान हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, चंगेज को भी जल्दी भेजूंगा तेरे पास। निकाल। भाईजान, कोई टैक्सी ड्राइवर था। क्या बोले?
वो एक टैक्सी ड्राइवर था। बेवकूफ, हम जानते हैं वो टैक्सी ड्राइवर नहीं, रॉ का एजेंट था। जैकी, तुझे मारने वाले को हम तेरे साथ दफन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे, हमारा वादा है तुमसे। ये कितना अच्छा है ना, हम लोग ऐसे। मुझे मालूम था मेरे भाई को मारने वाला कोई मामूली इंसान नहीं होगा, इसीलिए तेरी मौत बहुत हाई फाई रखी है हमने। बस इतना जान ले कि मैं तेरे लिए यमराज हूँ। फर्क इतना है कि यमराज मरने वालों के पास जाता है और तू खुद मेरे पास चल के आया है। तू मारेगा हमें, अबे तू मारेगा हमें। Kill this Batman! जय हिंद सर। शंकर, हमने सुना है कि चंगेज खान इस वक्त तुम्हारे कब्जे में है। यस सर, और अब मैं इसे हमेशा के लिए आजाद भी कर रहा हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, बल्कि सही सलामत उसे हमारे पास लेकर आओगे। नहीं सर, इसका फैसला मुझे अभी करना है। आप इजाजत दें या ना दें। शंकर, बात मेरे इजाजत देने या ना देने की नहीं है। चंगेज खान ने अपना काला बाजार और क्राइम पूरे दुनिया में फैला रखा है। हम उससे सबसे पहले पूछेंगे, उसके क्रिमिनल वर्ल्ड को फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद उसे। बात को समझा करो, तुम इस वक्त उसे नहीं मारोगे। नो सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है। हाहाहा
शंकर। शंकर, मैंने तुम्हारे बहादुरी पे कभी भी शक नहीं किया, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें अपने आप को मृत घोषित करना पड़ा? हाँ शंकर, तुम्हारी कहानी सुन के ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिसके कारण तुम्हें अपने अस्तित्व को छुपाना पड़ा। मजबूरी तो तब पैदा हुई सर, जब आपका कानून चंगेज को सजा नहीं दिलवा पाया। और वो भाग गया। तो क्या भागने के बाद चंगेज ने तुमसे बदला लेने की कोशिश की? कोशिश क्या सर, उसने तो मेरी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। माँ जी। हाँ? अरे प्रणाम माँ जी। बहुत सुंदर लगा तड़ू, बाकी एजा अचानक कैसे? अरे आपकी याद आ रही थी तो सोचा आपसे मिलते चलो। बहुत बढ़िया, आओ चलो बैठा। आज से माँ जी आप मेरे हाथ का खाना खाने की आदत डालो, और आराम करने के भी, क्योंकि शादी के बाद मैं आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगी, समझे? जैसन तुहार मर्जी। हेलो। अरे तुझे क्या लगा था मैं हमेशा के लिए पिंजरे में बंद हो जाऊंगा? मैं शेर हूँ, शेर जो पिंजरे में नहीं खुले में घूमता है। तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बोल, क्योंकि वक्त नहीं बचा है तेरे पास। तू खुद मेरे हाथों मरते मरते बचा है, तेरी औकात नहीं मेरी कोई भी इच्छा पूरा करने की। लगता है कि तू भूल गया कि तेरा अपना परिवार भी है, इसीलिए इतनी अकल कर बात कर रहा है। हमारे बीच परिवार को मत ला। ए, परिवार को तू लाया हमारे बीच में मेरे भाई को मार के। बस तो देखते जा। माई माई कहाँ भैया? शंकर, खोलना माई। हे माई, संचिता, हे संचिता, खुश ना हुई तो की? मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेल
का समझ में नयावे जिंदगी आके खेला समझ में नयावे जब दिन बिगड़े पर होला केहू रोक न पावे ओ जब जब दिन बिगड़े पर होला केहू रोक न पावे जाने काली खल किस्मत में जाने काली खल किस्मत में ई न पता चल पावे जिंदगी आके खेला समझ में नयावे जिंदगी आके खेला समझ में नयावे अरे जीने के लिए बड़ा जिगरा होना चाहिए तेरे जाने के बाद कोई रॉ एजेंट मेरे नजदीक आने की हिम्मत भी नहीं करेगा भगवान की कृपा से मैं बच गया लेकिन सर अगर उस दिन मैंने चंगेज खान को मार दिया होता तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता और मेरी मां भी मेरे पास होती शंकर वो ऑर्डर मैंने हाई कमांड के कहने पर दिया था मुझे गलत मत समझो आपको ही नहीं मैं अपने देश के पूरे कानून व्यवस्था को गलत समझता हूं और इस रॉ एजेंसी से तो सख्त नफरत करता हूं शंकर तुम्हारा गुस्सा जायज है हम तुम्हारे मां और प्यार को तो वापस नहीं ला सकते लेकिन इस देश के सैकड़ों बच्चे जो इस वक्त चंगेज की गिरफ्त में हैं उनका भविष्य तुम बर्बाद होने से बचा सकते हो और अब तो हमारी सरकार की भी आंखें खुल गई हैं वो चंगेज की गिरफ्तारी नहीं उसकी मौत चाहती है चंगेज खान ने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सैकड़ों परिवार का सुख छीना है और तुम्हें उन सब का बदला लेना होगा अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते फिनिश हिम एंड दिस इज माय ऑर्डर आज की सबसे ताजा खबर अभी अभी हमें विशेष सूत्रों द्वारा मालूम चला है कि अंडरवर्ल्ड डॉन चंगेज खान ने बच्चों को मोहरा बना के सरकार से अपने आदमियों को छुड़वाने की शर्त रखी है और सरकार को उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है सरकार ने तत्काल बैठक के लिए सभी अधिकारियों को बुलाया है चल फटाफट सर अब तो आप पूरी दुनिया पर इकलौता राज करेंगे सर अब तो सरकार भी आपके सामने घुटने टेक देगी सही बोला हेलो हेलो आलोक रंजन है मैंने तुम्हें 48 घंटे का समय दिया था तुमने अब तक मेरे आदमियों को नहीं छोड़ा है अब इस देश का भविष्य मेरे हाथ में है इन सारे बच्चों के कत्ल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी समझ गए तुम प्लीज लिसन टू मी उन बच्चों को कुछ मत करना आई विल ट्राई माय बेस्ट आप अंदर नहीं जा सकती मेरा चंगेज खान जी से मिलना जरूरी है मैंने बोला ना कि आप उनसे नहीं मिल सकती आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए कौन है ये शायद वो फिरोज खान की बहन है सर फिरोज खान की बहन बुलाओ इसे ठीक है सर गार्ड
जी सर। उसको अंदर आने दो। जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? मेरे भाई को जान से मार दिया। फिरोज को मार दिया? किसने? रॉय एजेंट शंकर ने। क्या? शंकर जिंदा है? लेकिन वो है कहाँ? लेकिन अब हम उसे मरते हुए देखना चाहते हैं। इस पूरी कायनात में मेरा मेरे भाईजान के अलावा कोई नहीं था। आप उसे मार डालो। जस्ट किल हिम। जरूर मरेगा। मौत भी ऐसी होगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। पता करो कहाँ है शंकर। शेर की दहाड़ है जो तुझ जैसे पहाड़ का सीना रौंदने आया है। निपट ले। अगर इसको छोड़ मत। अगर उस दिन मैंने चंगेज खान को मार दिया होता तो आज मेरा प्यार मेरे पास होता और मेरी माँ भी मेरे पास होती। शंकर तुम्हारा गुस्सा जायज है। हम तुम्हारे माँ और प्यार को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस देश के सैकड़ों बच्चे जो इस वक्त चंगेज की गिरफ्त में हैं, उनका भविष्य तुम बर्बाद होने से बचा सकते हो। हाँ शंकर। अब तुम्हें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। खत्म कर दो चंगेज खान को। मैं मानती हूं कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, पर मुझे इसका जरा सा भी गम नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरा भाई चंगेज खान के लिए काम करता था। hey, रॉक, चीनी डालने से जहां चींटियां भी नहीं आती वहां तू कैसे आ गया? यहां चींटी ही नहीं, कुछ देर में चील कौवे भी आएंगे। अबे ये चिड़िया का घोंसला नहीं, शेर की गुफा है। भले ही ब्रह्मा ने तेरी मौत न लिखी हो, लेकिन आज तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन उसी ब्रह्मा जी ने तेरी मौत लिखी है मेरे हाथों से, और आज के ही दिन
रुक जाओ। भैया, भैया, भैया। मार दूंगा इसे। भैया, भैया, मत मारो मेरे भैया को। भैया, मत मारो मेरे भैया को। भैया। शंकर। मुझे मारने का ख्वाब दिखता है चंगेज हैदर खान को। अरे मौत का सौदागर हूँ मैं। तेरे देश में इंसान पैदा किसी की भी मर्जी से हो, लेकिन मरता मेरी मर्जी से है। किसी को मैं जब चाहूँ तब मसल सकता हूँ। और एक तू है जिसकी आंखों में मेरे लिए खौफ नहीं है, डर नहीं है, लेकिन आज आज तेरी आंखों में वो खौफ वो डर दिखेगा। तू डरेगा और चिल्लाएगा, जिंदगी की भीख मांगेगा। शंकर, शंकर, तेरा हिंदुस्तान हमेशा मेरे पैरों के तले था और रहेगा। शंकर, शंकर उठो शंकर। अगर आज तुम नहीं उठे तो वो हर माँ बाप का कोकसूना हो जाएगा। तुम्हें हिंदुस्तान की कसम है, हिंदुस्तान की कसम है। शंकर उठ जाओ। शंकर, शंकर नहीं उठने वाला। शंकर खत्म, एक बार और खत्म शंकर। Shankar, you are great. You are king, Shankar. तुम जीत गए, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो शंकर। मैं वादा करता हूँ आज से सारे इल्लीगल धंधे बंद कर दूंगा। क्या बोला था तू? क्या बोला था तू? डर भाग तेरी। ये शंकर सिर्फ उस शंकर से डरता है, तेरे जैसे रास्ते के कंकर से नहीं। और सर, डरते वो लोग हैं जो मरकर भी जमीन में छुप जाते हैं। हम हिंदुस्तानी मरने के बाद भी आग से खेलना पसंद करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। शंकर, भारत माता की जय। रात भर में एक बेर पलाम नहीं हिला, काम कहीं से जी के सवाल नहीं मिला। रात भर में एक बेर पलाम नहीं हिला, जिसके सवाल नहीं मिला। ये तो बताओ कहे मेल नहीं हुआ। बोलो
होली का या फिर यही से रात खेल।